गुड मॉर्निंग वीके यादव मैथ्स में आपका स्वागत है। आज है मसला मुसल्लाहपुर पटना का। बालक एवं बालिकाओं, दोस्तों, गार्जियन जितने लोग हैं, है ना, बहुत भयावह सिचुएशन है पटना में। एज ए टीचर ऑफलाइन क्लास के लिए आज मैं आया तो आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट हो रहा था प्रशासन की ओर से, है ना। खैर, उनका भी कोई गलती नहीं है, उनका भी ड्यूटी है, है ना। तो कुछ झलक आपको दिखलाना चाहेंगे तस्वीरों का, और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा ब्लैक एंड वाइट में, है ना, कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं लोग, है ना, आखिर यहाँ तक सिचुएशन आ गई कैसे। कल शाम में भी बच्चों के साथ बहुत मारपीट हुआ, है ना। और पहले दिखा देते हैं शाम के, कल जब मैं विजिट कर रहा था तो शाम के पहले की तस्वीर है। चलिए, आप देख सकते हैं वीडियो, है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल। मैं पहले वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद चीज़ों को। ये आंदोलन चल रहा है मुसल्लापुर पटना में। बाजार समिति बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं, है ना, कितनी भीड़ है बच्चों की। प्रशासन की भी व्यवस्था की गई थी कि बच्चे कुछ उपद्रव ना मचाएं, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, है ना। देखिए, मैं भी हूँ यहाँ पे, दिख रहा हूँ, है ना, गुड। तो मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था, आंदोलन में नहीं, है ना, मतलब उन जगहों पर थोड़ा देख रहा था बस। तो चलिए, है ना, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। एक्चुअली में सिचुएशन यहाँ तक पहुँचा कैसे, है ना। तो देखिए, बात यह है कि आईटीआई करके, डिप्लोमा करके, बीटेक करके बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं अपने देश में और बिहार में भी। और आपको पता है कि कहीं से भी आंदोलन की शुरुआत होती है उसमें बिहार नंबर वन है। तो एक्चुअली में जो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सारा जो उपद्रव है या जो प्रोटेस्ट है वो टीचर स्पॉन्सर्ड है, है ना, टीचर के द्वारा स्पॉन्सर हुआ है। तो इसमें कुछ कहना सही भी है, कुछ कहना गलत भी है, है ना। चलिए, इसको मैं कुछ न कुछ आपको चीज़ें बताना चाहूँगा, है ना, पेन ले लेता हूँ, है ना। अब देखिए क्या है कि जब से अपना अपना देश डिजिटलाइज हुआ, है ना, डिजिटल दुनिया में जब से आया है, तो इस पर क्या हुआ कि जब टीचर जब डिजिटल हो गए, है ना, अब उनको कोर्स तो बेचना है। अब कोर्स क्या करना है, बेचना है। बहुत सारे टीचर हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 5 साल से तो वैकेंसी आई नहीं है, जब आएगी, है ना, तो 50,000 आएगा LAP का, असिस्टेंट लोको पायलट, 50,000 आएगा टेक्नीसियन का, है ना, टेक्नीसियन का 50,000 आएगा समथिंग का, है ना। इस तरीके से 2 लाख वैकेंसी आना चाहिए या 1.5 लाख वैकेंसी आना चाहिए। आप लोग बहुत सारे वीडियो में देख चुके होंगे, बड़े बड़े टीचर बोल रहे थे, है ना, बात सही, आना भी चाहिए, है ना। अब इसके लिए क्या हुआ कि पिछले साल 2 सालों से बहुत करोड़ों जनरेट कर रहे थे वो, है ना। अब जैसे कोई ITI कर लिया बंदा, प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर जॉब कर रहा, अब उसको भी वीडियो के माध्यम से वहाँ से रिझा कर पटना या इलाहाबाद या दिल्ली कहीं भी बुलाया जा रहा है कि आप आ जाइए, है ना, प्राइवेट नौकरी छोड़िए, सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिए, 2 लाख वैकेंसी आएगा। इस तरीके से, है ना, पूरा कैंपस भर लिए, झोला भी भर लिए पैसा से, सब कुछ भर गया था, फुल कंप्लीट। अब क्या हुआ भाई कि जब वैकेंसी आई 5600 समथिंग, 5675-99 जो भी बोल सकते हैं, जब इतनी वैकेंसी आई तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया टीचर से कि सर, आप तो मेरा काम धाम छोड़वा कर, जो भी प्राइवेट सेक्टर में कमा रहे थे उसको छोड़वा कर आप तो तैयारी करने के लिए बुला लिए। अब टीचर का मुंह हो गया बंद, चोखा हो गया जी। अब बंद हो गया तो अब क्या कर सकता है। अब जब बात जब झूठा साबित हो गया टीचर का, तो थोड़ा थोड़ा उन लोगों की तरफ से पुशअप था, लेकिन डायरेक्टली टीचर पे ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये सिस्टम का आप बोल सकते हैं कि अब सिस्टम ने किस तरीके से एनालाइज किया, किस तरीके से मूल्यांकन किया वो चीज़ों को कि इतना सीट निकालेंगे, है ना। खैर, उसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैटर जो है, इस मैटर को, गंभीरता को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे मुसल्लापुर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो LAP के तैयारी करने वाले और जो भी टेक्नीशियन के तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके कारण और भी कॉम्पिटेटिव बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। जैसे बिहार दरोगा का तैयारी करने वाले, BPSC का तैयारी करने वाले, है ना, 11th-12th के जो लड़के पढ़ते हैं उनका भी कोचिंग बंद है और सिचुएशन बड़ा ख़राब है। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना। मैं भी क्लास जब लेने के लिए कल भी आया, परसों भी आया, आज भी आया, तो क्लास नहीं चला, है ना। कैंपस में फोर्स भरा हुआ है काफ़ी, आप देख सकते हैं। इसमें तो फोर्स नहीं दिखेगा क्योंकि ये शाम का कल का वीडियो है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझेंगे मसला पटना का क्या क्या सिचुएशन। देखिए भीड़ कितना है ना। तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे टीचर लोग से, प्लीज़ आप पहले से ही मतलब ज्योतिष ना बन जाए कि कितना सीट देगा नहीं देगा, है ना। इसमें लड़कों की भावनाओं को आहत पहुंचती है।
तो उम्मीद है कि अगले बार से लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में इतना नीचे तक ना गिरे, है ना। ये जो भी वैकेंसी देना ना देना ये सरकार और विद्यार्थी का मैटर है ना। अब टीचर अब पहले से ही कुछ अपना बिजनेस के लिए इस तरीके से बोल देंगे तो यही स्थिति होगा। अभी पटना में है, हो सकता है बाहर में हो, है ना। मैं किसी चीज़ को सही गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, है ना। ये आपके ऊपर है कि आप इस बात को कैसे लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।